वकील पर क्यों भड़के सीजीआई चंद्रचूड़। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा? भरिए 5 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। वहीं बात जब कानून के उल्लंघन और डिसिप्लिन की आती है तो उनका रवैया और भी सख्त नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में उनका सख्त रूप कई बार देखा जा चुका है। सामने वाला वकील चाहे कितना भी नामी गिरामी क्यों न हो, गलत बात करते ही सीजीआई चंद्रचूड़ न केवल उन्हें डांट पिला देते हैं बल्कि कानून का पाठ पढ़ाने से भी नहीं चूकते हैं। लेकिन इस बार तो बात कुछ ऐसी हो गई कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने भरे सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को न केवल जमकर डांट पिलाई, कानून का पाठ पढ़ाया बल्कि 5 लाख रुपए का नोटिस तक देने की बात तक कह डाली। साथ ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकील की जनहित याचिका भी खारिज कर दी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने एक जनहित याचिका डाली थी। इस जनहित याचिका की लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में यानी सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में हुई थी। सीजीआई चंद्रचूड़ इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता वकील पर भड़क उठे। याचिका के बारे में उन्होंने वकील को डांटने वाले अंदाज में कहा कि इस तरह जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस याचिका के जरिए आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में प्रक्रिया वगैरह की बुक की चुनौती दे रहे हैं। सीजीआई ने यहां तक कहा कि ये सब आप किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। सीजीआई ने अपना तल्ख लहजा कायम रखते हुए कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और हम आपके ऊपर 5 लाख रुपए का नोटिस भेज रहे हैं। कानून से संबंधित खबरों को प्रकाशित करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक सीजीआई को वकील ने याचिका के बारे में अपना तर्क देना चाहा, जिस पर सीजीआई ने वकील से ये कहा कि आप बहस के लिए तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपको 5 लाख रुपए का नोटिस देंगे, जिसकी वजह ये है कि आपने ये याचिका किसी निजी कंपनी के कहने पर डाली है। साथ ही आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की प्रक्रिया के बुक के अध्याय 25 को चुनौती भी दे रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ के इस तल्ख तेवर को देखने के बाद याचिकाकर्ता वकील ने उनसे याचिका वापस लेने की परमिशन मांगी। उसके बाद सीजीआई ने वकील की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब सीजीआई ने भरी अदालत में किसी वकील को डांट पिलाई हो। पिछले साल सीनियर लॉयर विकास सिन्हा को भी उन्होंने जमकर डांट पिलाई थी, साथ ही उनको तुरंत ही कोर्ट से बाहर निकल जाने के निर्देश भी दिए थे। फिर अभी हाल के ही दिनों में उन्होंने एक वकील को तब डांट पिलाई थी जब एक केस की सुनवाई के दौरान वकील कोर्ट में तेज आवाज में अपनी दलीलें पेश कर रहा था। इन सब के पीछे केवल एक ही वजह है कि कानून के साथ बेअदबी न हो। इस याचिका में और इससे पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस भी वकील को डांट पिलाई है उन सब में किसी ने कोर्ट का अनुशासन तोड़ने की कोशिश की तो किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। शायद आगे भी सीजीआई चंद्रचूड़ का यही सख्त रवैया रहने वाला है क्योंकि कानून को लेकर वो बेहद गंभीर रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।